जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है। कुर्सी पर जान फैला कर पसरा हुआ जो शख्स इस समय आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या बहरहाल जनपद के प्यागपुर विकासखंड कार्यालय में तैनात गरीब एडीओ पंचायत तेज नारायण राव साहब है, जिनका पेज गरीबी के कारण सरकार द्वारा मिल रहे पगार से भर नहीं पाता। लिहाजा बेचारे एडीओ साहब अपने पास समस्या लेकर आने वाले फरियादियों से 1,500 रुपए लेकर किसी तरह अपना और अपने परिवार का घर चलाते हैं। इसी तरह का एक मामला वायरल वीडियो की शक्ल में हमारे पास आया है, जिसमें एडीओ साहब एक फरियादी से 500 रुपए टेबल के नीचे से लेते हुए स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। जब इस विषय में हमारे संवाददाता श्री राम विश्वकर्मा ने खंड विकास अधिकारी सौरभ कुमार पांडे से बातचीत की, तो उन्होंने एडीओ साहब की गरीबी की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करते हुए कहा कि यह उनकी पुरानी वीडियो है और वह सुधारने वाले नहीं है। इससे पहले बहराइच जनपद के मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती कविता मीना और जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार से हमारी गुजारिश है कि गरीबी में किसी तरह दिन गुजार रहे एडीओ पंचायत तेज नारायण राव साहब के पगार कम से कम इतनी बढ़ा दें कि जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च आराम से चल सके और किसी फरियादी से 1,500 रुपए के लिए उन्हें दांत ना चियारना पड़े। अरे तो लेन देन का मैं पांच से पूर्ण करो, इधर तो वासा रखा। नरवा लागत है ना आई कब का क्या नहीं पता है, वायरल में है, क्या तारीख तो हमारे पास है नहीं उसका। ये तो बहुत पुराना वीडियो है, मुझे एक साल पुराना होगा। अच्छा अच्छा, वो आज हमें हमारे मोबाइल पे आई है तो उनसे बात करें सर से। ये पुराना वीडियो है, कोई कंप्लेन नहीं है इसमें। जी 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 सर, आप किस काम के लिए पैसा मांग रहे हैं पंचायत? अब सर उसमें हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते सर, ये वायरल वीडियो हमने आप ग्रुप में आया था सर। अच्छा अच्छा, ये वायरल वीडियो की और वायरल हुआ था इनका भी मुझे 5-6 महीने पहले। जी जी हाँ, तो ये सुधरेंगे नहीं। वीडियो की और वायरल हुआ था इनका भी मुझे 5-6 महीने पहले। जी जी हाँ, तो ये सुधरेंगे नहीं। जैसा कि आपने सुना कि खंड विकास अधिकारी साहब यह खुद कह रहे हैं कि इनके वीडियो वायरल होते रहते हैं और यहाँ सुधरेंगे नहीं, तो सवाल यह है कि एडीओ पंचायत साहब का वीडियो बार बार वायरल होने के बावजूद आज तक इनकी तरफ किसी अधिकारी का ध्यान क्यों नहीं पड़ा? और आज जब हम जनपद के आला अधिकारियों का ध्यान इस विषय में आकृष्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इस विषय में कुछ संज्ञान लिया जाएगा या एडीओ पंचायत साहब इसी तरह अपनी गरीबी का